Welcome again, dear students, for the remaining part of the story. Last time, पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसकी हाफ ट्रांसलेशन की. अब हाफ ट्रांसलेशन आपको इस लेक्चर में मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ. ओपन योर बुक्स प्लीज एंड टेक योर रफ रजिस्टर्स एंड पेन पेंसिल्स प्लीज, सो दैट यू मे अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स, देयर मीनिंग्स एंड मल्टीपल चॉइस. हाँ जी, द वुमन वॉज सिटिंग ऑन द डे बेड. डे बेड कहते हैं ऐसा सोफ़ा जिस पे आप लेट भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं. डे बेड सोफे को कहते हैं. खातून एक सोफे के ऊपर बैठ गई. आफ्टर वाइल, थोड़े लम्हे बाद, शी सैड, उसने कहा, आई वर यंग वंस, मैं भी कभी जवान थी. एंड आई वॉन्टेड थिंग्स, मुझे भी चीज़ें चाहिए थी. आई कुड नॉट गेट, लेकिन मैं हासिल ना कर पाई. यहाँ से हमें स्टोरी का एक आइडिया मिलता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में ना बेटा कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं. कमी का मतलब ये नहीं है आप उस कमी को पूरा करने के लिए वो चीज़ किसी से छीन लें. कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट देने जा रही है खातून. देयर वॉज अनदर लॉन्ग पॉज, एक बहुत लंबा वक्फा था. द बॉयज माउथ ओपन्ड, लड़के का मुंह खुला हुआ था. देन ही फ्रोंट, फिर उसने तेवरी चढ़ाई, माथे पे बल डाला. नॉट नोइंग, ना जानते हुए ही फ्रोंट कि वो तेवरी चढ़ा रहा है. द वुमन सेड, खातून ने कहा, यू थॉट, तुमने शायद ये सोचा. आई वॉज गोइंग टू से, बट मैं ये कहने जा रही हूँ. डिड नॉट यू, तुमने ये नहीं सोचा, मतलब कि मैं पर्स नहीं छीनने लगी थी लोगों के. यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से, तुमने ये सोचा कि मैं ये कहने जा रही हूँ. बट आई डिड नॉट स्नैच पीपल्स पॉकेट्स बुक्स, लेकिन मैंने लोगों के पर्स नहीं छीने, बटवे नहीं छीने मैंने. वेल आई वॉज नॉट गोइंग टू से दैट, मैं ये नहीं कहने जा रही थी. पॉज, वक्फा, साइलेंस, खामोशी. आई हैव डन थिंग्स, मैंने काम किया चीज़ों के लिए. टू विच आई वुड नॉट टेल यू सन, जो तुम्हें मैं नहीं बताऊंगी बेटा. एवरीबॉडी इज गॉट समथिंग इन कॉमन, हर बंदे में कोई ना कोई मुश्तरक चीज़ होती है, आम बात होती है. सो यू सिट डाउन, चुनाचे अब तुम आराम से बैठो. वाइल, जबकि आई फिक्स अप, मैं चढ़ा लूँ, मैं तैयारी शुरू कर लूँ. समथिंग टू ईट, कुछ पकाने के लिए, कुछ खाने के लिए, सॉरी. यू माइट रन दैट कॉम, अंडरलाइन कीजिए, ये मेरा बेटा मल्टीपल चॉइस है. यू माइट रन दैट कॉम, वो जो कंघी है वो अपने फेर सकते हैं बालों में, थ्रू योर हेयर, सो यू विल लुक प्रेजेंटेबल, तुम शानदार यानी बेहतर दिखाई दे पाओ. इन अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम, इस पैराग्राफ को भी मिस ट्रस्टेड तक नाओ, यहाँ तक इंसर्कल कर लें, अंडरलाइन कर लें मेरा बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के तौर पर, कई दफ़ा आया हुआ पेपर में. इन अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम, कमरे के एक और नुक्कड़ में, बिहाइंड अ स्क्रीन, एक पर्दे के पीछे, वॉज अ गैस प्लेट, एक चूल्हा था. एंड एन आइस बॉक्स, और एक सर्द खाना था, मतलब रेफ्रिजरेटर था. मिसेस जॉन्स गॉट अप, वो खातून उठी. एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन, और उस स्क्रीन के, उस पर्दे के पीछे चली गई. यहाँ से इम्तिहान शुरू होना अब लड़के का, आया वो भागेगा कि नहीं. द वुमन डिड नॉट वॉच द बॉय, खातून ने अब लड़के को ना देखा, टू सी, ये देखने के लिए, इफ़ ही वॉज गोइंग टू रन नाउ, कि कहीं अब वो भागने वाला तो नहीं था. Nor did she watch her purse, ना ही अब उसने अपने पर्स को देखा. यानी ये लड़के पे छोड़ दिया कि आया अब उसने चूज़ करना है, नेकी की तरफ जाना है, बदी की तरफ जाना है उसने. Which she had left behind her on the day bed, जो कि वो अपने पीछे उस सोफे के ऊपर छोड़ गई थी, रख गई थी. But the boy took care, बड़ी एहतियात के साथ लड़का बैठा रहा. To sit on the far side of the room, कमरे में काफ़ी दूर तक, दूर में यानी काफ़ी फासले पे बैठा रहा. Away from the purse, और पर्स से काफ़ी परे. Where he thought, जहाँ से उसने सोचा, she could easily see him, कि खातून उसको बासानी देख पाए. Out of the corner, उस नुक्कड़ से, उस जगह से. If her she wanted to, अगर वो अपनी आँख के ज़रिए से उसको देखना चाहे. She did not trust the woman, not to trust him. He did not trust the woman, not to trust him. उसने पहले खातून पर ट्रस्ट नहीं किया था, ना ही उसने उसके ऊपर ट्रस्ट किया था. And he did not want to be mistrusted now. लेकिन अब वो नहीं चाहता था कि उसके ऊपर भरोसा ना किया जाए, यानी वो चाहता था कि अब उस पर भरोसा किया जाए. Do you need somebody to go to the store? आपको ज़रूरत है किसी को स्टोर पर भेजने के लिए, शॉप पर भेजने के लिए? आज द बॉय, लड़के ने पूछा. मे बी टू गेट सम मिल्क और समथिंग, कोई दूध वगैरह लाने के लिए, कोई और चीज़ लाने के लिए. डोंट बिलीव आई डू, यकीन नहीं है मुझ पर कि मेरे पास है. सर द वुमन, खातून ने कहा. अनलेस यू जस्ट वॉन्ट स्वीट मिल्क योर सेल्फ, हाँ
अगर तुम्हें अपने लिए कोई मीठा दूध वगैरह चाहिए तो बोलो. आई वॉज गोइंग टू मेक कोकोआ, मैं कोकोआ बनाना जा रही थी, यानी कोकोआ मशरूब बनाने लगी थी आउट ऑफ दिस केन्ड मिल्क, इस डिब्बे के दूध के साथ. आई गॉट हेयर, जो मेरे पास है. दैट विल बी फाइन सर तपोए, बेहतर है ये बात, लड़के ने बोला. शी हीटेड सम लीमा बीन्स, अंडरलाइन कीजिए बेटा, मल्टीपल चॉइस है. उसने चंद एक लोबिये की लीमा की फलियों को जो है गर्म किया, एंड बीफ और गाय के गोश्त को किया. शी हैड इन द आइस बॉक्स, जो उसके पास था आइस बॉक्स में, रेफ्रिजरेटर में. मेड द कोकोआ, कोकोआ बनाया, एंड सेट द टेबल, और मेज सजाया. द वुमन डिड नॉट आस्क द बॉय एनीथिंग, खातून ने लड़के से कुछ भी नहीं पूछा. अबाउट वेयर ही लिव्ड, कहाँ रहता था वो, और हिज फोक्स, या उसके रिश्तेदारों के बारे में, उसके लोगों के बारे में, और एनीथिंग, या कुछ और भी ऐसा दैट वुड एम्बैरस हिम, जो उसको शर्मिंदा कर सकता था. इंस्टेड, बजाय इसके, एज दे एट, जैसे उन दोनों ने खाना खाया, शी टोल्ड हिम, उस खातून ने लड़के को बताया अबाउट हर जॉब, अपने काम के बारे में, इन अ होटल ब्यूटी शॉप. इसको अनसर्कल कर लें बेटा, अंडरलाइन कर लें सेंटेंस को, मल्टीपल चॉइस है. एक होटल की खूबसूरती की दुकान के ऊपर, दैट स्टेड ओपन लेट, जो कि काफ़ी लंबे अरसे तक खुली रहती होती थी. What the work was like, काम किस तरह का था, and how all kinds of women came in and out, किस तरह की तमाम ख्वातीन किस्म की आती जाती थी. ब्लॉन्ड्स, अंडरलाइन कीजिए बेटा, ब्लॉन्ड्स, सुनहरी रंगत वाली, गोरे रंगत वाली, सुनहरी बालों वाली. ब्लॉन्ड्स, रेड हेड्स, लाल बालों वाली, एंड स्पैनिश, और हिस्पानवी, यानी स्पेन की तलक रखने वाली. देन शी कट हिम अ हाफ ऑफ हर 10 सेंट केक, फिर उसने उसको अपना 10 सेंट केक काट कर दिया. ईट सम मोर सन, और खा लो बेटा कुछ, शी सेड, उसने कहा. When they finished eating, जब उन्होंने खाना कंप्लीट कर लिया, she got up वोटी and said, और कहा, now here, अरे ये लो, take this $10, ये लो तुम्हारे $10, अंडरलाइन कीजिए. उसको कितने देती है डॉलर्स, $10 देती है, ये मल्टीपल चॉइस है. एंड बाई योर सेल्फ सम ब्लू सूट शूज, और अपने लिए को नीले चमड़े के जूते खरीद लेना. एंड नेक्स्ट टाइम, और अगली दफ़ा, टू नॉट मेक मिस्टेक, कभी गलती मत करना ऑफ लैचिंग, झपटने की, ऑन टू माई पॉकेट बुक, मेरे पर्स के ऊपर, नॉर एनी बॉडीज एल्स, और ना ही किसी और के पर्स के ऊपर. बिकॉज, क्योंकि शूज गॉट बाई डेवलिश वेज, वो जूते जो शैतानी तरीके से हासिल किए जाते हैं, विल बर्न योर फीट, तुम्हारे पाँव को जला देंगे. ये उसको मिसाल दे रही है कि अब कभी ऐसा मत करना, कभी ऐसी गलती मत करना तुम. ओके, आई गॉट टू गेट माई रेस्ट नाउ, अब मुझे अपना आराम करना है, सुकून करना है. बट फ्रॉम हियर ऑन इन सन, लेकिन अब यहाँ से आगे बेटा, आई होप, मेरे ख्याल में, मैं उम्मीद करती हूँ, यू विल बिहेव योर सेल्फ, तुम अच्छा बर्ताव करोगे, तुम अच्छा जो है वो रवैया इख्तियार करोगे. शी लेट हिम डाउन द हॉल टू द फ्रंट डोर, वो उसको लेकर आई हॉल में से सदर दरवाजे के पास, एंड ओपन्ड इट, और उसे खोल दिया. गुड नाइट, शब बखैर, बिहेव योर सेल्फ बॉय, लड़के अच्छा बर्ताव करना, शी सेड, उसने कहा. लुकिंग आउट इनटू द स्ट्रीट, गली में देखते हुए, एज ही वेंट डाउन द स्टेप्स, जैसे ही वो चंद कदम नीचे उतरा, द बॉय वॉन्टेड टू से समथिंग अदर दैन, थैंक यू मैम, अंडरलाइन कीजिए, मल्टीपल चॉइस है. लड़का थैंक यू मैम के अलावा उसको कुछ और भी कहना चाहता था. किसको? टू मिसेस लियोला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स, वो खातून जो थी उनको. बट ऑल दो हिज लिप्स मूव्ड, अगरचे उसके हरकत किए होंठों ने, जुम्बश की उसके होंठों ने, ही कुड नॉट इवन से दैट, लेकिन वो ये भी ना कह पाया. एज ही टर्न्ड, जैसे वो घूमा, एट द फुट ऑफ द बैरन स्टूप, उस सुनसान चबूतरे के ऊपर. बैरन स्टूप, वो जो चबूतरा घर के लिए, जहाँ से घर में आप एंटर होते हैं, उसको कहते हैं बैरन स्टूप. वो सुनसान चबूतरे के ऊपर जैसे ही निकला, एंड लुक्ड अप एट द लार्ज वुमैन, और उस बड़ी सी खातून को देखा इन द डोर, दरवाजे में जो खड़ी हुई थी. देन शी शट द डोर, फिर उसने क्या कर लिया, दरवाज़ा बंद कर लिया. नाउ यू कैन सी हाउ द गुडनेस दैट शोड बाय द वुमैन, इट्स चेंज्ड द एंटायर लाइफ ऑफ द बॉय. नाउ दैट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी माई सन. ज़रूरी नहीं है कि आपके हत्थे अगर कोई बुरा चढ़ गया, मार मार के इतनी पनिशमेंट कर दें आप कि उसका जीना ही हराम कर दिया आपने, बजाय इसके उसके दिल में आता, चलो यार मैं तो भूखा था, शायद मैंने रोटी चुराई है, मुझे ऐसा करना पड़ गया, ठीक है, या मुझे उसको कोई चीज़ चाहिए. जबकि इंसानियत अगर चाहे ना बेटा, हम इंसान अगर चाहें मेरा बेटा, हम किसी भी गलत बात को अपने अच्छे अमल से ठीक कर सकते हैं.
हम अपनी अच्छाई से किसी इंसान का दिल फेर सकते हैं, यही स्टोरी का पूरा मेन थीम है। खातून ने उस लड़के को छीना छपटी के बाद क्या किया, उसको अपने घर ले गई, चेहरा धुलवाया उसका, फिर उसके बाद उसको खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद उसको $10 दिए कि भाई ये लो जाओ और दोबारा कभी किसी के शूज़ को, किसी के पर्स को किसी भी तरीके से छीनने की कोशिश मत करना, ठीक है। और उसके बाद देखें, अब वो जो लड़का था उसका दिल, उसका ज़मीर, उसका कॉन्शियस दैट गॉट चेंज्ड, वो चेंज हो गया। ये मेरा बेटा एक बहुत अच्छा अमल है, बजाय इसके वो उसको पुलिस के पास ले जाती, उसको मारती पीटती, उसके दिल में और ग्रज पैदा हो जाता और दूसरी दफ़ा वो ये दोबारा गलती करने की कोशिश करता। बदलना है तो दिल से बदलें किसी को, नहीं तो ये अल्फाज होते हैं जस्ट, जो हम फिर बोलते रहते हैं, करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक हमने इसकी ट्रांसलेशन कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर्स में इसकी जो है मेरा बेटा मल्टीपल चॉइस होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और प्रीवियस स्टोरी की और इस स्टोरी की जो पंक्चुएशन है उसको हम साथ में लाएंगे, फिर इसकी इंशाल्लाह पूरी एक सेगमेंट बन जाएगा, असाइनमेंट बन जाएगी। थैंक यू वेरी मच माय सन, अल्लाह हाफिज़।